मजा लेने वाले हैं झूले का। ये है मोदक कुआं जो बच्चों को डराता है, मैजिक बोलेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में, आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी होमलैंड यानी कि इंडिया आया हुआ हूं, और ये हमारे यहां की लोकल ट्रेन है जिससे मैं आज ट्रेवल कर रहा हूं। और इधर ये सिटी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, काफ़ी बड़ी सिटी है क्योंकि स्टेशन थोड़ा सा दूर है, तो स्टेशन से दूर ही सिटी बनती है गाइस। हाँ भाई, बहुत दिनों बाद ऐसी आवाज़ें सुनने का मौका मिलता है क्योंकि सिंगापुर में इस तरह की आवाज़ें नहीं हैं। और आज मैं चला था सिस्टर के घर, ठीक है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, इस जगह का नाम है तुकुनी आखिरी, और यहाँ से जा रहा हूँ मैं सिस्टर के घर गोला। तो इस वीडियो पे बने रहना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेन का एक्सपीरियंस और बताने वाला हूँ कि आज मैं 7 साल, 6.5 साल के बाद ट्रेन यूज़ कर रहा हूँ। तो इस ट्रेन का ब्लॉग है और ब्लॉग पे बने रहना, सब्सक्राइब माय चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तो गाइज फाइनली ट्रैवल करके अपनी जगह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और इस स्टेशन का नाम है मेलानी जंक्शन। जैसे कि आप मेरे पीछे हो, मेलानी जंक्शन है। यहाँ से क्या होता है कि ट्रेनें अदर रूट पे जाती है। जैसे ये बड़ी लाइन की ट्रेन है, और जिससे मैं आया हूँ ये है छोटे लाइन की ट्रेन। हमारे यहाँ अभी भी छोटी लाइन चलती है, और जब मैं सिंगापुर नहीं गया था तो उससे पहले यहाँ भी छोटी लाइन चलती थी। जैसे कि ये बड़ी लाइन खड़ी है, तो पहले छोटी लाइन थी, बाद में इसको चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ से जाती है मेलानी और भी आगे, और ये छोटी लाइन यहाँ से जाती है इधर। तो अभी हम मेलानी आ चुके हैं, यहाँ से अभी पूछे क्योंकि हमें जाना गोला। अब आप लोग को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग अदर स्टेट से देखते हो मेरे को, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है। तो चलते हैं गोला की तरफ, अभी पूछेंगे कि ये ट्रेन जाएगी कितने बजे, क्योंकि इसको लेना है। अगर इसमें टाइम होगा तो फिर हम बस से जाएँगे। तो मज़े लेने आए हैं, मज़े ले रहे हैं। यहाँ का ये प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म भी अभी चेंज कर दिया है, पहले अलग ही मॉडल का था क्योंकि छोटी लाइन थी, बट अभी क्या है कि इसका भी बढ़िया मॉडिफाइड कर दिया है, अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है, बड़ी लाइन भी सुविधा हो चुकी है और छोटी लाइन भी चल रही है। तो चलते हैं, इस ट्रेन का पता पूछते हैं, नहीं तो फिर बस से निकलते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अभी जो इंडिया का टाइम हुआ है वो हुआ 4:10। दोस्तों ये है गोला का ऐतिहासिक चैती मेला,
और क्राउड बहुत है, तो हम मेले में आए उसके बाद ये झूला है। 6 साल के बाद ये झूले का मैं मजे लेने जा रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भतीजा नेपी और ये मेरा भांजा है। तो झूला है और काफ़ी क्राउडेड है, तो वहाँ से आने के बाद हमने मज़ा लिया यहाँ का मज़ा लेना, तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं ऊपर, पहले झूले का मज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सिटी का भी दिखाऊंगा, अंदर का भी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। बोलो कुछ। ये मेरा क्यूट भांजा। सब्सक्राइब करो, कर लो के मेरे मामू के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ भाई सब्सक्राइब करो, मेरे भांजे ने कहा था सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं। दोस्तों फाइनली अभी हम हैं झूला में और ये बिल्कुल टॉप है, इसके ऊपर कुछ नहीं, बाकी इसके नीचे ही झूला झूला है। और अभी हम हैं झूले के टॉप में और यहाँ से झूले का जो नज़ारा वो अलग ही है। ये मेरा भांजा जैसे बताया, ये मेरा भतीजा सुहान, और इधर तो ये है छोटा पड़ा छोटा भाई। तो अभी हम कहाँ है बेटा? बिल्कुल टॉप पे है गाइस। हाँ क्या ये? ये है एक बड़ा वाला झूला। हाँ। वो रहा मौत कुआं, अभी हम मौत कुआं भी देखने वाले हैं और ये नाव वाला झूला भी, ये भी करने वाले हैं। हाँ बेटा, नए नए झूले लगे हैं, बाकी नीचे झूले की दुकानें लगी हैं, मैं दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना गाइस। अभी हम आए हैं वो वाला झूला झूलकर और ये नाव वाला झूला झूलने के बाद हम आए हैं मौत का कुआं देखने। ये है मौत का कुआं जो बच्चों को डराता है। तो आपका भाई आया देखने इस मौत का कुआं को, तो कोई डरा पाता कि नहीं, क्योंकि सुना है कि ऐसे बच्चों को बहुत डराता है ये। तो आपका भाई आज लाइव मौत का कुआं दिखाने वाला है और देखने वाला है। बहुत बड़ा मेला है, ये ऐतिहासिक मेला है, इसके बारे में आप ज़रूर सर्च करिएगा अगर आप लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो वीडियो पर लाल बने रहना, मोदों को दिखाने वाला हूँ सभी को।
इधर झूला है, झूला झूलने के बाद हम आए थे जहाँ पे गन शूट होता है। यहाँ से क्या होता है कि आप मोमबत्ती गुब्बारे सुई मोती कुछ भी बोलते हैं। भाई साहब 10 रुपए के कितने? इंडिया के 10 रुपए के 3 शॉट हैं और अभी हम चलाने वाले हैं। जैसा कि अभी आप वीडियो में देखेंगे, ठीक है भाई, अभी मैं चलाने वाला हूँ। फ्रेम इसी कवर के साइज का बना हुआ फिट है, नहीं लग रहा है ये कार्ड हमारे पास है, वही कार्ड फेमस हो गया भैया। ऑलरेडी फेमस है भाई ये रानी ये वाला है 150 रुपए का। कैसे होता है सिखा के दिया जाएगा। चित्र उठ नहीं निकल गया तो बोल हां बेगम अंदर गुलाम का भाई बेगम। एक ये ब्लैक कलर का पास है, कलम पॉइंट 3 बोल देंगे वाइट पास हो जाएंगे, ब्लैक से वाइट हो जाएंगे। जीरो ब्रांड साहब कौन बताना बर्बरी बता दे। दो फ्लावर हैं थोड़ा सा, ये कलर ऊपर से डालते हैं इसे ये नीचे निकलता है, वैसे बोलेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। फिर ये वाला कलर ऊपर से डालेंगे ये नीचे निकलेगा, वैसे बोल देंगे तो इसका भी कलर चेंज हो जाता है। कोई सा भी पेपर ले लो कलर ये 60 रुपये का सिखाएंगे तो आप एक एक कार्ड है देखो हमारे पास वाइन पर ये बोल देंगे मैच बॉक्स बन जाएगा, मैचेस आइए सुमंत्र बोलेंगे टी वी आ जाएगी, वाइन पर थ्री बोलेंगे सिगरेट आएगी, उन्हीं के लिए बोल देंगे बीड़ी आ जाएगी, ये 50 रुपये। सो गाइज फाइनली एवरीथिंग होने के बाद मैं एक मैजिक शॉप पे आया था जो यहाँ पे मैजिक टॉय, तो ये भाई साहब मिले, इनको मैंने बहुत पहले भी देखा था यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तो मुझे मिले मैंने इनका जादू देखा जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, तो पहले इनसे कुछ जानेंगे। आप अपने बारे में बताएं पहले थोड़ा। मैजिक मैजिक शो भी करते हैं, मैजिक शॉप भी है, सिखाते भी हैं और मैजिक शो भी करते हैं। आप कोई भी फंक्शन हो शादी पार्टी तो भी करवा सकते हैं और कोई भी मैजिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए या सीखना हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी इनका ये मैजिक कार्ड है देख लेना यार, यहाँ से नंबर वगैरह निकाल लेना, इनसे भाई साहब से बात कर लेना, काफ़ी अच्छा इंटरटेनमेंट करते हैं जैसा कि मैंने अभी देखा और दिखाया। और ये अभी क्या है गोला में जो है वहाँ पर मेरा लगा हुआ है, इसके बाद जहाँ जाएँगे आप इससे इनके थ्रू व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर।